हरे कृष्णा। हर जीवात्मा को भेजी हुई चिट्ठी में भगवान कृष्ण ने लिखा, मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद करोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पी कर तैयार होने चले और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहा के मुझे याद करोगे, लेकिन तुम इस सोच में डूब गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और ऑफिस के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे। पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिता कर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से हो जाएंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफ़ी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब वे काम निपट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपनी पत्नी बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मार कर ही रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर रोज़ मैं इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। पर तुम तब ही आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रख के चले जाते हो। और मज़े की बात तो ये है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, ध्यान तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं इंतज़ार करता ही रह जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा कृष्णा।